स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंजी मिक्स न्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही रोमांचक खबर हैदराबाद से, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे एक परिवार अपना जीवन बसर कर रही है लोगों और पूरी सोसाइटी के ताने सुनकर और उन तानों से निराश ना होते हुए बल्कि और ज्यादा पॉजिटिव ओपिनियन के साथ पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण के रूप में उभर कर अपना जीवन जी रही है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैदराबाद के रहने वाले रामराज चौहान के घर उनकी फैमिली के लगभग सभी लोग ड्वार्फिज्म यानी बौनेपन के शिकार हैं। इनकी जिंदगी हर दिन कई चुनौतियों और कठिनाइयों के साथ बीती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने और अपने पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की सारी सूझबूझ अता की है, जिसकी मदद से ये लोग समाज में अच्छी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके खानदान में लोग इसी तरह बौनेपन से जूझ रहे हैं। इनके परिवार में कुल 21 सदस्य मौजूद हैं, जिनमें से 18 लोगों में बौनेपन पाया गया है। रामराज चौहान और इनके सभी घर वालों ने अपने इस तरह होने को अपना तो लिया है, लेकिन लोग जब भी इनसे मिलते हैं और जब ये बाहर आते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं और इन्हें देख कर हंसते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दुख तो पहुंचता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हौसला बुलंद रखकर सकारात्मक सोच के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों ऐसे लोगों को देखने पर हम सभी को ये ख्याल आना चाहिए कि भगवान ने सभी लोगों को समान रूप से बनाया है, तो हमें इस तरह से इन्हें निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता मौजूद होती है। इसीलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब कभी भी हम ऐसे लोगों के साथ मिले तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी यह बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों रामराज चौहान और उनके परिवार वालों के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।